नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया SSK एमडीएस सेंटर नासिक से। आज का हमारा टॉपिक है पौष्टिक आहार से ही पूर्णतः स्वास्थ्य संभव है। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के अनुभव से हम सीखने जाएंगे तो जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो दूसरे के अनुभव से हम थोड़ा सा सीखेंगे अच्छा तो हमारा जीवन और अच्छा बेहतर बनेगा। तो ये टॉपिक थोड़ा अलग होगा आज का। सिर्फ पौष्टिक आहार से ही हमारा स्वास्थ्य हम ठीक नहीं कर सकते, दूसरे भी ऐसे कई सारे पहलू हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक ही नहीं, हमें मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में ही हम पूर्णतः स्वास्थ्य समझते हैं। स्वास्थ्य है वो सिर्फ अच्छा खाने से ही हमारा स्वास्थ्य हम नहीं सुधार सकते या गलत खाने से हमारा स्वास्थ्य हम नहीं बिगाड़ते हैं, ये बात को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हमें गलत खाना खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो खाना हम सुधार ले तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार सही खाना खाने के बाद भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, तो इस बात को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा अलग पहलू में। जैसे कि हम हमारा चित्त है दूसरे लोगों के ऊपर डालेंगे, अगर उनको कोई बीमारी है और बार बार हम उनके बारे में सोचते जाएंगे तो बीमारी हम हमारी ओर आकर्षित करते हैं, हमारी ओर बीमारी को हम आमंत्रित करते हैं और इस बात का हमें पता भी नहीं चलेगा और हमें लगता है कि अचानक हमारी तबीयत कैसे खराब हो गई। लेकिन उनके बारे में बार बार सोचने से उनका जो तकलीफ है शारीरिक वो भी हमें होने लगती है, कई बार हमें समझ में नहीं आता है। तो आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। शिव कृपानंद स्वामी जी से मैंने सुना हुआ है कि उनके जो अनुभव है, उनके जीवन में एक बार ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति के साथ उनकी मुलाकात हुई और उनको हार्ट में पेन हो रहा था, तो स्वामी जी ने उनको बोला कि आपको हार्ट में पेन हो रहा है, उनका कारण हो सकता है कि आपका फैमिली कोई प्रॉब्लम हो, तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोले बिजनेस में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो बोले नहीं बिजनेस का भी कुछ नहीं है, उनका खुद का हॉस्पिटल था। तो बोला कि आपके खुद के हॉस्पिटल से क्या ऐसा कोई आपने पेशेंट देखा जिनका असर आपको हार्ट पेन हो रहा है, तो बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हार्ट में पेन क्यों हो रहा है। तो स्वामी जी बोले आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। स्वामी जी ने मेडिटेशन किया, फिर से उनके साथ बात करना शुरू किया और बात से स्वामी जी ने ऐसा जाना कि वो व्यक्ति है वो पहले दूसरी जगह रहते थे और वहां पे उसका अलग बिजनेस था, और उसके पार्टनर भी अलग थे। तो उन्होंने स्वामी जी को बोला कि मेरे पार्टनर थे वो अलग थे और मेरा बिजनेस ऐसा कुछ गड़बड़ी हुआ कि दोनों का हमारी बनी नहीं और हम दोनों के एक दुश्मनी जैसा हमारा एक रिश्ता हो गया और वो बिजनेस हम दोनों ने अलग कर लिया और मैंने अलग मेरा हॉस्पिटल खोल लिया, लेकिन वो व्यक्ति के साथ मुझे बहुत चीड़ है। तो स्वामी जी ने बोला कि आपको जो बीमारी है अभी हार्ट में पेन हो रहा है उनका कारण वही है। तो व्यक्ति बोला वह कैसे हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि वो व्यक्ति जिनके ऊपर आपका चित्त है चाहे वो भावना अच्छी हो या बुरी हो वो आपके चित्त में बैठा हुआ है, यानी कि आप उसको बार बार याद करते हैं, उसके साथ आपकी बनती नहीं है, तो उसको हार्ट अटैक आया हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका असर आपके हार्ट के ऊपर हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने बार बार उनके बारे में सोच रहे थे, बार बार उनके बारे में बुरी भावनाएं उनके मन में आ रही थी, यानी उसका कुछ कर दूं या उसका कुछ बदला ले लूं या उनका कुछ ऐसा कर दूं। तो ऐसी हमारी भावनाएं है ना वो भी बीमारियों को लाती है। फिर चाहे हम कितना भी अच्छा खा ले, कितना भी पौष्टिक खा ले, लेकिन ये होने ही वाला है, वो खाना हमारे स्वास्थ्य को सुधार नहीं सकेगा जब तक हमारी मानसिकता, हमारी भावना है, हमारी लागणी है जो वो ठीक नहीं कर पाएंगे। एक शॉर्ट में दूसरा एग्जांपल दूं कि ज्ञान वत्सल स्वामी का, जिनसे मैंने सुना है उनके प्रवचन से, कि एक बार एक व्यक्ति उनको मिला ज्ञान वत्सल स्वामी जी को, तो उन्होंने बताया कि उनको घुटने का प्रॉब्लम था। तो ज्ञान वत्सल स्वामी ने उनके साथ बात में इनकी एक बात जानी कि उनके भाई के साथ उनकी नहीं बनती थी, यानी उनके भाई के साथ इसलिए नहीं बनती थी कि उनको भाई ने उन्होंने पैसे दिए थे, उनके भाई ने उनको रिटर्न नहीं किए और उल्टा वो वैसे बोल रहे थे कि आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए। तो व्यक्ति का प्रॉब्लम ये था कि पैसे नहीं दे, मुझे पैसे का कोई कमी नहीं है, लेकिन वो झूठ क्यों बोल रहा है कि मैंने उनको पैसे ही नहीं दिए। तो उनका कहना था कि ये झूठ है ना वही मेरे से सहन नहीं होता और मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ज्ञानवत्सल स्वामी बोले कि आप एक काम करेंगे, जैसा मैं आपको बोलूं वैसा करेंगे। तो बोले क्या करना है, तो बोले आपके भाई ने आपको रिटर्न पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, वो गलत बोल रहा है ठीक है, लेकिन आप और पैसे अपने भाई को दो और बोलो कि मेरे से गलती हो गई और मैं भूल गया था, ये मेरे तरफ से गिफ्ट तुझे। तो बोले कि ऐसा कैसे मैं उनको पैसे दे दूं, उन्होंने मुझे दिए नहीं और आप और पैसे देने की बात कर रहे हैं। तो बोले आपको घुटने ठीक करने हैं क्या, तो बोले हाँ। तो बोले इतना कर सकते हो तो कीजिए। वो तो बोले ठीक है आपको मैं मानता हूँ
और मुझे मेरा प्रॉब्लम सोल्व करना है, इसलिए आप जैसा बोल रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने उनको पैसे दिए और उनके घुटने ठीक हो गए, क्योंकि उनकी जो गलत भावना थी, जो एक राग द्वेष था, वो दूर हो गया। तो ऐसे ही बीमारियां है सिर्फ गलत खाने पान से ही नहीं आती है, हमारी सोच कैसे है, हमारा ध्यान किसके ऊपर जाता है, हमारे मन में राग द्वेष की जैसी भावनाएं रहती है, उनके कारण भी हमें शारीरिक तकलीफ कभी कभी होती है। तो हमारे मन में ऐसा कुछ हो तो हमें उनसे पैर पड़ के माफी मांगने नहीं जानी है, लेकिन दिल से उनको क्षमा कर देना है। दिल से क्षमा करना हमें सीखना है ताकि हम हमारा स्वास्थ्य ठीक कर सके। उनका तो जो हो वो भुगतने वाले उनके कर्म, लेकिन हमें खुद को ठीक करना है तो हमें खुद को उनको माफ करना सीखना पड़ेगा, खुद को उनको संभालना सीखना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे स्वास्थ्य को हम संपूर्णतः पा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस बात को कितना मानते हैं, इसे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।